Hello everyone, a very good afternoon to all my dear students. So how are you all? I hope सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं. Students, आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है. द रीज़न इज़ क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं या हम सीखने वाले हैं कि हम अब हमें क्या क्या करना है. मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत हार्डवर्किंग होते हैं बट एक सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं होती है जिसकी वजह से वो लोग उन लोगों का जो हार्डवर्क है उन लोगों को इतना अफेक्ट नहीं इतना रिजल्ट नहीं दे पाता है. तो इसीलिए आज के जो स्पेशल सेशन ये जो है आपका जिसके बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी, आज का ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट को एग्जैक्टली कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी चाहिए पढ़ते समय और कौन कौन से वो ऐसे स्टेप्स हैं जो स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए. अगर मैं IBPS PO की बात करूँ तो वी ऑल नो वेरी वेल कि 12th October से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है. मतलब हमारे पास 60 डेज़ भी कंप्लीट नहीं है इस एग्ज़ाम से पहले. तो इन 60 डेज़ में हमें कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी हैं, जो हमारे दिमाग में हमेशा और हमेशा होनी चाहिए. इनफैक्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं आप अपनी स्टडी टेबल पे या आपका जो भी रूम है जो भी एरिया है वहाँ पर जो आज मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ उनको आप लिख के रख लें. क्योंकि जब आप उन पॉइंट्स को बार बार देखोगे तो आपको बार बार चीज़ें याद आएंगी और बार बार आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे. एंड दिस थिंग आई कैन टेल यू विद 100% कॉन्फिडेंस कि बच्चों अगर आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया देन यू विल बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो जाओगे. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास जहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ. सो दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ निमिषा बंसल. हमारी दो बार क्लासेस होती हैं, वी मीट एट 1 PM एंड वी मीट एट 6 PM. हम दो बार मिलते हैं, 1 बजे हम स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, 6 बजे हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं. दिस इज़ अबाउट अनअकैडमी. अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत सारे एडुकेटर्स, इनफैक्ट इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डेफिनेटली डाउनलोड कर लेनी चाहिए. मेरी बहुत सारी क्लासेस वहाँ पर आती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैं वहाँ पर लेती हूँ. इनफैक्ट जितने भी मेरे बैचेस चल रहे हैं, मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो IBPS PO और क्लर्क के लिए प्री प्लस मेंस के लिए जो कोर्स चल रहा है वो अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है. तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो IBPS PO के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं उनको डेफिनेटली ये सब्सक्रिप्शन ले ही लेना चाहिए. अब ये सब्सक्रिप्शन है क्या, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सब्सक्रिप्शन है क्या. तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसा तरीका है स्टूडेंट्स जिसके हेल्प से आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं. कहने का मतलब क्या है, आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग GA इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स से एक ही जगह मिल जाएंगे. एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, उनका जो भी कोर्स आता है वो आपको मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगे, केवल और केवल एक ही सब्सक्रिप्शन से. और ये जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम प्राइस का है. अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो आपको केवल और केवल 417 rupees पर मंथ का पड़ेगा. और ये सोचिए इतने से कम टाइम, इतने से कम अमाउंट में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, एवरी सब्जेक्ट. मेरा अगर इफ़ आई एम अ फैकल्टी, मैं निमिषा बंसल हूँ, तो मेरे जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं आप सारे देख सकते हो. अगर कोई और फैकल्टीज़ हैं आपके, मैथ्स के फैकल्टी हैं, रीजनिंग के फैकल्टी हैं, उनके जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं आप सब देख सकते हो. जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है वो देख सकते हो, जो डाउट सेशंस हो रहे हैं, जो क्विजेज हो रहे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे. तो इसका मतलब एक सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल रहा है और कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है. देन यू शुड डेफिनेटली एंड डेफिनेटली गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन. आपको जो अमाउंट पे करना है वो मैंने यहाँ बता दिया है. एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये NBLIFE कोड लगाना है. इफ़ यू विल अप्लाई दिस कोड NBLIFE, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो. तो मतलब अगर 5000 फीस थी हमारी 12 मंथ्स की तो आपको केवल और केवल वो कितने का पड़ेगा, केवल और केवल वो आपको 4500 का पड़ेगा. मींस 10% डिस्काउंट मिल जाएगा NBLIFE, प्लस मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप लोगों ने मेरा कोड यूज़ किया है. सो ये NBLIFE कोड हमेशा याद रखिएगा, आप सब्सक्रिप्शन को 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा.
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन, जो बहुत सारे बच्चों ने, कल की जब क्लास में मैंने अनाउंस किया था तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, मेल्स भी आए थे कि मैम यस हमें इस ऐसे सेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बीच बीच में मोटिवेशन होना भी या मोटिवेशन मिलना भी ज़रूरी है। इसीलिए इस मोटिवेशन को लाने के लिए मंडे टू सैटरडे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, हमने वोकैबुलरी पढ़ी थी, बट हमारा मोटिवेशन कहीं मिसिंग था, क्योंकि मुझे दिख रहा था जो बच्चा मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आ रहा है वो कहीं ना कहीं फ्राइडे को नहीं आ रहा है। मतलब हमारे अंदर इतना मोटिवेशन नहीं था कि हम हर रोज़ इतनी पढ़ाई कर सकें, तो इसीलिए ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए रखी गई है। चलिए तो अब हमारा टॉपिक क्या है आज का, हाउ टू स्टडी इन अ वेल प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर। हम प्लान्ड कैसे रह सकते हैं, हम सिस्टमैटिक कैसे रह सकते हैं, और कैसे उस मैनर को मेंटेन करते हुए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो सारे के सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैम टारगेट कैसे सेट करूँ मैं। मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज क्या आता है कि मैम कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं एक फ्रेशर हूँ, क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक डायरी लीजिए या एक नोटबुक लीजिए, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन। जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। आपने लिखा मिशन, सभी के सभी बच्चे क्या लिखेंगे, मिशन IBPS। इस बार हमारा मिशन क्या है कि इस बार हमें IBPS PO और वो भी किसी और साल का नहीं, 2019 का क्लियर करना ही करना है। आज ही सभी लोग ये करेंगे, सभी लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस पेज का। ग्रुप पे मत भेजना इंग्लिश विद निमिशा बंसल पे, अदरवाइज़ बाकी लोग भी आपके एम्स देख लेंगे, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे बाकी लोगों से डिस्कस करने में। यू कैन मेल इट टू मी, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे भेज सकते हो, बट आई वॉन्ट कि जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो मुझे भेजें। ऊपर क्या लिखना है, मिशन IBPS PO 2019 खुद लिखोगे, माइंड क्लियर होगा तो उसके लिए एफर्ट्स देगा तो रिजल्ट आएगा। तो माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मिशन IBPS 2019। अगर मैं डेट मानती हूँ तो मैं डेट कह सकती हूँ 12th of October। अगर मैं आज की डेट चेक करती हूँ, आज कौन सी डेट है, इफ़ आई राइट प्रेजेंट डेट, तो प्रेजेंट डेट हमारी क्या है, 18th of August। तो अब मुझे कितने दिन का चार्ट बनाना है, मुझे चार्ट बनाना है 19th of August से, मुझे चार्ट बनाना है 19th of August से लेकर, मैं 12 अक्टूबर का डेट मान रही हूँ तो 10th of October का। तो मेरे पास पूरा का पूरा एक ऐसा चार्ट क्लियर होना चाहिए जहाँ पे मुझे सब कुछ लिखना है कि किस दिन मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो आपके पास एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में, पूरा का पूरा एक टेबल के फॉर्मेट में ये चार्ट आप लोगों के पास बना हुआ होना चाहिए। अब ये चार्ट कैसे बनाते हैं, इस चार्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं IBPS PO की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से वो 3 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, मेरे पास इंग्लिश है, मेरे पास मैथ्स है और मेरे पास रीजनिंग है। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है। अब आपको अपने आप पहले एनालाइज़ करना है कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो और किस सब्जेक्ट में आप वीक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एनालाइज़ किया कि इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैथ्स में मैं ठीक ठाक हूँ, रीजनिंग में भी मैं ठीक ठाक हूँ। तो आप ऐसे अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो कि आप जो है दिन में 4 hours इंग्लिश को दे रहे हो, 3 hours मैथ्स को दे रहे हो, 3 hours रीजनिंग को दे रहे हो, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे केवल और केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ। बाकी के सब्जेक्ट्स का आपको खुद से बनाना पड़ेगा या बाकी के सब्जेक्ट्स का आप अपने टीचर्स, रिस्पेक्टिव टीचर्स से मांग सकते हो। अगर मैं इंग्लिश का चार्ट आप लोगों को बताऊँ कि क्या एग्जैक्ट चार्ट होना चाहिए, अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट को कंसिडर करूँ, एक एवरेज स्टूडेंट को कंसिडर करूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम मेकिंग अ चार्ट, आप लोग भी एकदम इसी फॉर्मेट में चार्ट बनाओगे। 18th of August मैंने लिख दिया आर्स टू डिवोट एवरी डे, मैं कितने दिन एक घंटे में दूंगी इंग्लिश को। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि मैं 4 hours 4 घंटे मैं रोज़ इंग्लिश को देने वाली हूँ। अगर मैं 4 घंटे रोज़ देती हूँ तो मेरी इंग्लिश बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाती है।
तो मैंने वही चार्ट बनाया 18th August, मैंने इसको चार आवर्स में ही डिवाइड किया. आई डिवाइडेड इट इंटू फोर आवर्स, फोर कॉलम्स. अब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एरर, अब मैंने क्या किया, टॉपिक वाइज डिवाइड करना शुरू किया. टॉपिक वाइज डिवाइड करना शुरू किया का मतलब इतना मुझे पता है कि वोकैबुलरी को रोज़ मुझे एक घंटा देना ही देना है. I have to give vocabulary 1 hour regularly. अब आप ये एक घंटा कैसे दे सकते हो vocabulary को, 6 to 7 for example, आपने time define कर लिया कि 6 से 7 बजे तक चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 6 बजे से 7 बजे तक मुझे vocabulary को देना ही देना है. आपने design कर लिया, for define कर लिया कि मैं error detection करूँगा. आई विल सॉल्व 500 questions of error detection. और इसको सपोज आपने टाइम दे दिया 1 बजे से 2 बजे तक का. उसके बाद आपने एक टाइम दिया कि मैं द हिंदू एडिटोरियल का निमिषा मैम जो रोज़ आर्टिकल बताती हैं, इनफैक्ट आई टेल यू एन आर्टिकल एवरी डे, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, उनको समझ नहीं आता कि द हिंदू क्या में क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है या कितना टाइम देना है. तो मेरा सजेशन सारे के सारे स्टूडेंट्स को यही रहता है कि आप द हिंदू को 20 to 25 minutes रोज़ दो. यू गिव 20 to 25 minutes एवरी डे टू द हिंदू. वह आर्टिकल पढ़ो जो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है. इसको आपने फॉर एग्जाम्पल बोला कि मैं 30 minutes इसको दूंगा, कितना हुआ, 2 hours 30 minutes. अब आपको किस चीज़ को देना है टाइम, आपको देना है ग्रामर को टाइम. और ग्रामर को आपने फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मैं 1 hour 30 minutes ग्रामर को दूंगा और वो मैं रात को 9 से 10:30 बजे तक दूंगा. ऐसे करके आपको हर दिन का एक पर्टिकुलर चार्ट बनाना है कि किस दिन आप क्या टॉपिक पढ़ने वाले हो और कैसे पढ़ने वाले हो. अगर मेरे दिमाग, मेरे माइंड को पूरा एक वीक का चार्ट मुझे पता है कि मुझे एक एक वीक में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है. फॉर एग्जांपल द हिंदू का भी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि शाम को 4 बजे से 4:30 बजे तक या शाम को 4 बजे से 5 बजे तक मैं द हिंदू पढ़ूंगा. आपने टोटल टाइम कितना दिया इंग्लिश को, एक दिन में 4 घंटे दिया. ये चीज़ मैं सभी को बोलती हूँ कि अगर IBPS POG बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपके पास केवल और केवल 55 डेज या 56 डेज़ का ही टाइम है, तो मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो देने हैं 9 से 10 घंटे तो रोज़ देना ही देना पड़ेगा. क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर हम इतना रोज़ देंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ हम 55 टू 60 डेज में पूरा IBPS PO का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको इंग्लिश का बताया. अब ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है वो क्या बताई है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक का नाम भी लिखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा क्या फोकस है कि अगले आने वाले 10 दिनों में या अगले आने वाले 20 दिनों में मेरा फोकस किस चीज़ के ऊपर है. मेरा फोकस है एरर डिटेक्शन को करने में. तो मैं लिख दूं कि 18th August को भी मुझे एरर डिटेक्शन करना है, 19th August को भी मुझे एरर डिटेक्शन करना है, और ऐसे करते करते 25th August तक मुझे किस चीज़ को कंप्लीट कर लेना है, एरर डिटेक्शन को मुझे बहुत अच्छे से कर लेना है कि अगर मेरे एग्ज़ाम में 10 questions एरर डिटेक्शन के आते हैं तो मैं उनको बहुत अच्छे से कर पाऊँ, 10 out of 10 वहाँ पे स्कोर कर लूँ. ऐसे ही आपने 25 अगस्त तक का ये बनाया. इसके बाद 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाओ. 26 अगस्त से फॉर एग्जांपल आपने अगला टॉपिक जो लिया वो लिया पैरा जंबल्स. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ क्या है, हम सभी को पता है एग्ज़ाम में क्या आने वाला है. अगर मैं बोलूँ एज अ फैकल्टी मुझे पता है, नहीं आपको भी पता है एग्ज़ाम में क्या आएगा. अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, मुझे पता है एरर डिटेक्शन आएगा ही आएगा. हो सकता है न्यू पैटर्न आ जाए, हो सकता है ओल्ड पैटर्न आ जाए, बट एरर डिटेक्शन डेफिनेटली आएगा ही आएगा. पता है पैरा जंबल आएगा ही आएगा, पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, पता है क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा, पता है मैच द कॉलम, कॉलम वाइज क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो हमें सभी को टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या आने वाला है. अब ज़रूरत क्या है, अब ज़रूरत है प्लानिंग की पूरी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए IBPS PO तक कि किस दिन मुझे क्या करना है. वो प्लानिंग मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से बनाओ, क्योंकि देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो प्लानिंग डिफर करेगी. बट अगर स्टिल आप लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हो या आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो कि ये प्लानिंग आप खुद से बना पाओ या पूरा का पूरा चार्ट खुद से बना पाओ, आप मुझसे मेल आईडी पे मेरे पूछ लेना. माय मेल आईडी इज़ निमिशा NIMISHA1710@gmail.com या फिर मुझसे टेलीग्राम पे इंग्लिश विद निमिशा बंसल पे आप पूछ लीजिएगा. तो मैंने ये पूरा का पूरा प्लानिंग बना के अपने 2-3 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दिया हुआ है. आई विल शेयर इट विद यू ऑल्सो.
बट मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ जो उस चीज़ को अच्छे से कह सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाए. तो इफ़ यू आर वेरी श्योर कि हाँ आपको लगता है कि आप 4 hours एवरी डे इंग्लिश को दे सकते हो, एवरी डे मीन्स एवरी डे, जिसमें कोई सैटरडे नहीं आता, कोई संडे नहीं आता, एवरी डे मीन्स एवरी डे विदाउट एनी ऑफ, और देन आई कैन शेयर कि कंप्लीट. फॉर एग्जांपल 10 दिन हमने एरर डिटेक्शन को दिए, उसके बाद 5 डेज हमने क्लोज टेस्ट को दिए, उसके बाद 10 डेज हमने पैराजम्बल्स को दिए, और अगर ऐसे करते करते बीच में हमने एक एक मॉक टेस्ट रख लिया, तो अगर ऐसे करते करते मैं पूरा 10th of October तक की प्लानिंग बनाती हूँ और उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो इंग्लिश का सेक्शन क्लियर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर आप लोग सेम प्लानिंग अपने मैथ्स के लिए बनाओगे, रीजनिंग के लिए बनाओगे, तो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी. बट इजी कब होंगी? जब आप उसे इंप्लीमेंट करोगे. क्योंकि बोलना बहुत बहुत लोग बोल सकते हैं, बट करने वाले हार्डली 1% होते हैं या हार्डली 0.5% होते हैं. तो इफ़ येस यू हैव दैट एनर्जी, इफ़ यू हैव दैट एंथुजियाज्म, या फिर इफ़ यू हैव दैट फर्वर दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन आस्क मी फॉर दिस कंप्लीट प्लान. आई विल शेयर इट विद यू. मैंने एक्सेल शीट पे पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ है. आई विल शेयर, बट प्रोवाइडेड यू शुड, यू हैव टू फॉलो इट. आपको वो प्लान फॉलो करना ही करना होगा. चलिए अगली चीज़ पे आते हैं, या फिर इसमें कॉन्सेंट्रेशन इज़ द की. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 1 घंटे में आपने 10 मिनट फ़ोन देख लिया, 10 मिनट कहीं और देख लिया. नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो ट्राई कि आप पूरा और पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो. पूरा कंसंट्रेशन उसी चीज़ पे होना चाहिए. अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो फ़ोन की तरफ नज़र नहीं होनी चाहिए. कोई फ्रेंड आपसे बात करना ही नहीं कर रहा हो, आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप म्यूज़िक नहीं देख रहे हो, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो. तो बिकॉज कंसंट्रेशन जब अच्छा होता है, तो हमारा जो एफिशिएंसी है, जो हमारा जो आउटपुट है, वो बढ़ जाता है. अगर आप 1 घंटे भी फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, तो मैं मानती हूँ कि वो आपके 2 घंटे के बराबर ही है. क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, वो 50% कंसंट्रेशन में उनका बड़ी मुश्किल से आ पाता है. तो कंसंट्रेशन इज़ द की. अगली चीज़ क्या है? टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, केवल और केवल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए. मतलब इफ़ यू हैव अ प्रॉपर टू डू लिस्ट, अगर आप एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाते हो, आपकी हैबिट है एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाने की एवरी मॉर्निंग. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वेकअप एट 7 AM, देन 8 AM तक, मतलब इट विल हार्डली टेक यू 5 to 10 minutes टू मेक दिस टू डू लिस्ट. मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं टू डू लिस्ट को बनाने में. लेकिन अगर आपकी हैबिट है कि आप रोज़ सुबह एक टू डू लिस्ट बना रहे हो, टू डू लिस्ट कैसी होगी? आपने 5 पॉइंट्स लिखे. कौन कौन से 5 पॉइंट्स? केवल पढ़ाई में ही नहीं, टू डू लिस्ट तो हर चीज़ में यूज़ में आती है. आपने 1 पॉइंट लिखा, फिल दी फॉर्म, आज मैं फॉर्म फिल करूँगा. 1 पॉइंट आपने लिखा, आज मैं लर्न करूँगा 50 new words. 1 पॉइंट आपने लिखा, आज मैं एक मॉक टेस्ट दूँगा. 1 पॉइंट आपने लिखा, आज मैं एनालाइज करूँगा प्रीवियस ईयर पेपर को. 1 पॉइंट आपने लिखा, आज मैं वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. तो आपने पूरे के पूरे अपने डे की टू डू लिस्ट बना ली सुबह उठते ही. व्हेन इन द इवनिंग व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने जाते हैं, आपका लास्ट टास्क, ये दिन का शुरू का टास्क था, दिन का लास्ट टास्क भी क्या होना चाहिए? टिक 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 एंड टिक. अगर कोई भी चीज़ क्रॉस है या नहीं हो रही है, देन यू शुड ट्राई टू डू इट. अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी 100% टू डू लिस्ट ही फॉलो करो. इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल इनफैक्ट कि आप अपनी पूरी की पूरी 100% टू डू लिस्ट ही फॉलो करो. बट 70-80% अगर आप अपनी टू डू लिस्ट एवरी डे भी फॉलो कर लेते हो, एंड दिस ग्राफ इज़ नॉट गोइंग डाउन, ये ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, देन यू विल फाइंड आउट कि आपका डे बहुत प्लान्ड वे में जाता है, और आपको खुद से डिफरेंस लगने लग जाएगा अपने वे ऑफ लिविंग में. आई थिंक मैं बहुत पहले से टू डू लिस्ट बना रही हूँ, और आज तक एक भी दिन आई डोंट थिंक ऐसा गया होगा जिस दिन मैंने अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाई होगी.
टू-डू लिस्ट आपको बहुत प्लान्ड बनाती है, बहुत सिस्टमैटिक बनाती है और आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है. आपको पता होता है मेरा क्या टास्क रह गया है, क्या हो गया है, और आप बिल्कुल उसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं. तो टू-डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और उस टू-डू लिस्ट को ये मत सोचना कि मुझे 100% उसे फुलफ़िल करना है. अगर 70-80% भी फुलफ़िल हो रही है दैन इट इज़ ओके बिकॉज यू आर जस्ट बिगिनर्स. हाँ, थोड़े टाइम बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी टू-डू लिस्ट बनाने की, तब आपको 100% एम करना चाहिए. बट अभी के लिए आप 70-80% भी फॉलो करो, बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो बिकॉज दिस वीडियो आई थिंक विल बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर मेनी ऑफ यू. सिर्फ उन लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है जो लोग इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. एंड इनफैक्ट आई वुड लव टू हियर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे मैसेज करके भी बताओगे कि यस, कि आप लोगों ने ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और यस, आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है. अगली चीज़ है प्लान, इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू. तीन चीज़ें होती हैं, तीन फेजेस होते हैं. सबसे पहले मॉर्निंग में हमने क्या किया, टू डू लिस्ट के ही मैं आपको तीन फेजेस बता रही हूँ. आपने मॉर्निंग में क्या किया, मॉर्निंग में अपनी टू डू लिस्ट बनाई. आपने मॉर्निंग में क्या किया, मॉर्निंग में आप लोगों ने उस चीज़ को प्लान किया. पूरे दिन आपने उस चीज़ को क्या किया, आपने पूरे दिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया. मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाते समय आपने प्लानिंग की थी, फिर आपने इम्प्लीमेंट किया, और फिर आपने इवनिंग में क्या किया, इवनिंग में आपने चेक किया. मतलब आपने क्या किया, यू हैव रिव्यूड इट. दिट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रिचुअल. ये आपका रोज़ का रिचुअल होना चाहिए कि योर मॉर्निंग शुड स्टार्ट विद प्लानिंग, योर डे शुड गो विद इम्प्लीमेंटेशन, एंड योर डे शुड एंड विद द रिव्यू. आप पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आप प्लान करोगे, पूरे दिन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, और फिर लास्ट में उस चीज़ को रिव्यू करोगे. अगर आप इस चीज़ को डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अपना 100% देते हुए फॉलो करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो. जितने भी टॉप सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी बहुत हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं, इफ़ यू विल रीड देयर बायोग्राफीज़, यू विल गेट टू नो दैट येस, देयर डे स्टार्टेड विद प्लानिंग एंड देयर डे एंडेड विद रिव्यू. उनका डे प्लानिंग से स्टार्ट होता था और ख़त्म रिव्यू से होता था. बीच का पार्ट सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन होता था. सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रॉमिस मी राइट नाउ कि येस मैम, वी विल ट्राई. मैं ये नहीं बोल रही कि आपको करना ही करना है, बट मैम वी विल गिव अ ट्राई. एंड मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि अगर आपने इस चीज़ को एक बार ट्राई कर लिया, देन डेफिनेटली आप इस चीज़ को कभी छोड़ नहीं पाओगे. दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा और आपका हर दिन ऐसे ही शुरू होगा. हर दिन आपका प्लानिंग से ही शुरू होगा और हर दिन आपका रिव्यू से ही ख़त्म होगा. ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हर सक्सेसफुल इंसान का. एंड आई वॉन्ट ईच ऑफ माई स्टूडेंट टू बिकम सक्सेसफुल. इसलिए अगर आप लोग भी इसको अच्छे से करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला है स्टडी द राइट वे. अब यहाँ पे ना बहुत दिक्कतें आती हैं. दिक्कतें क्या आती हैं स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो पढ़ते तो बहुत हैं, पूरे दिन दिन पढ़ते हैं. मतलब दे आर गिविंग देयर 100%, दे आर गिविंग देयर 200%, बट फिर भी उनका एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं आज यहाँ पे जो इस बात को एकदम अग्री करते हैं कि येस मैम, हम पढ़ते पूरे पूरे दिन हैं, हम देते अपना पूरा पूरा 100% हैं, बट फिर भी हमारा जो टाइम है या हमारा जो टाइम हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते या हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता. देखो, एक बहुत बेसिक सा रीज़न है जो आप, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो सभी लोग ये कर रहे हैं. छोटी मिस्टेक क्या है, हम पढ़ तो रहे हैं बट लेकिन हम वो नहीं पढ़ रहे जो हमें पढ़ना चाहिए. हम पूरे पूरे दिन लगे हुए हैं, हम पूरे पूरे दिन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट स्टडिंग एट द राइट वे. सही तरीके से हम नहीं पढ़ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे बच्चों का बस मैसेज आता है कि मैम, अगर द हिंदू का एडिटोरियल नहीं पढ़ें और अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ लें या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, तो क्या मैम हमारा वो ठीक रहेगा. उन स्टूडेंट्स को मेरा एक ही सजेशन रहता है कि बच्चे देखो, आप 30 मिनट्स टाइम्स ऑफ इंडिया में दोगे पढ़ने के लिए और 30 मिनट्स ही आप द हिंदू एडिटोरियल में दोगे. ये जो आपको 20% रिजल्ट देगा, ये आपको 80% रिजल्ट देगा. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है.
टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारा क्या फोकस होना चाहिए कि हम वो चीज़ें पढ़ें जो हमें मैक्सिमम आउटपुट दें या जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट दें. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मतलब दे वुड बी स्टडिंग एनीथिंग, वो कुछ भी पढ़ रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वोकैबुलरी की बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक ऑफ वोकैबुलरी, वो रोज़ नए नए वर्ड्स याद कर रहे होंगे, नई नई चीज़ों को देख रहे होंगे, बट वो ऐसे वर्ड्स पढ़ रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम में आने का कोई चांस ही नहीं है, जिनका एग्ज़ाम में आने का कोई स्कोप ही नहीं है. तो ऐसे वर्ड्स को पढ़ना तब फ़ायदेमंद है, तब यूज़फुल है, जब आपके पास आपके एग्ज़ाम में बहुत लंबा टाइम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे 3 साल के बाद बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, तो ठीक है, दैट अप्रोच इज़ ओके. आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर दो, आप कुछ भी वो कैब के कहीं से भी वर्ड्स लेना स्टार्ट कर दो. बट अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, अगर आपका टाइम उतना ही है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, अगर आप उस टाइम को कम नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते, मतलब आपके पास बहुत फोकस्ड टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना ही है, 2 महीना ही है, 5 महीने ही है, 6 महीने भी हैं, तो आपको सही चीज़ों को ही पढ़ना ज़रूरी है. वोकैबुलरी कौन सी पढ़नी है जो कॉमनली या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, आपको वोकैबुलरी वो पढ़नी है जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है. और वो वोकैबुलरी कहाँ से आएगी, वो कौन बताएगा, दैट वोकैबुलरी वी एडुकेटर्स विल टेल यू. हम एडुकेटर्स ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 8-10 सालों से वी आर इनटू दिस फील्ड, हमें पता है कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है, कहाँ से एग्ज़ाम्स में आता है. तो इट इज़ नॉट वर्थ कि आप खुद से कोई भी डिक्शनरी उठा रहे हो, कोई भी बुक उठा रहे हो, वहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हो. दैट विल हेल्प यू, बट दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टाइम, जब आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जाम, बहुत ज़्यादा टाइम है. बट अगर टाइम लिमिटेड है, तो स्टडीइंग द राइट वे, द राइट थिंग एंड यूजिंग द राइट अप्रोच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड फॉर दैट यू नीड आवर एडवाइस. आपको उस सीरीज़ में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तभी वो सीरीज़ बन पाती है और हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं. आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी 120 ग्रामर रूल्स की सीरीज़ याद होगी. बहुत रिसर्च करने के बाद वो सीरीज़ बनी थी, और उस सारी की सारी क्लासेस को फॉलो करने के बाद हर एक बच्चे ने बोला था कि मैम, ये सारे के सारे रूल्स के क्वेश्चंस हमें SBI PO प्रीलिम्स में मिले, हमें SBI क्लर्क में मिले, हमें मेंस में मिले, हमें LIC ADO में मिले. तो दिस थिंग आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली कि मेरी जितनी भी सीरीज़ होती हैं, चाहे वो ग्रामर रूल्स की हो जो निकल चुकी है, चाहे वो वोकैबुलरी की हो जो अभी चल रही है, वोकैबुलरी की टॉप 1000 वर्ड्स की सीरीज़ चल रही है जो 6 बजे इसी चैनल पर यहीं पर होती है, एरर डिटेक्शन के 500 एरर डिटेक्शन की सीरीज़ चल रही है जो यहाँ पे हो रही है, तो आप अगर उन सीरीज़ को कंप्लीट करते जाते हो तो आपका एक एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता जाता है. फॉर एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स ने उन ग्रामर रूल्स की सीरीज़ को पूरा वॉच किया होगा, उनका ग्रामर स्ट्रांग हो गया. जितने भी स्टूडेंट्स ने वोकैबुलरी की सीरीज़ को पूरा वॉच किया है, उनका वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रांग होता जा रहा है. जितने भी स्टूडेंट्स एरर डिटेक्शन की पूरी सीरीज़ को देख रहे हैं, उनका एरर डिटेक्शन का पार्ट स्ट्रांग होता जा रहा है. तो द पॉइंट इज़, कहीं भी कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है. बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाते हैं. तो हमें कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है, हमें बहुत फोकस्ड वे में पढ़ना है. और हमें क्या पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा, वही पढ़ना है जो जिसके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. यू हैव टू स्टडी द राइट थिंग इन द राइट वे, एंड फॉर दैट वी एडुकेटर्स आर कम्प्लीटली विद यू. इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा ज़िंदगी का मिशन ही ये है कि आप लोगों को इंग्लिश से बिल्कुल भी डर नहीं लगे. अगली चीज़ पे आते हैं, से नो टू प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकास्टिनेशन? आप चीज़ों को क्या करते हो, आप चीज़ों को डिले करते जाते हो, आप उनको देर से करते जाते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे मैम की 1 बजे की क्लास चल रही है, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद अटेंड कर लेंगे, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद देख लेंगे. आप चीज़ों को डिले मत करो. अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे हो मैं कल सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाऊंगा, देन दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. आप अभी के अभी बनाओ, आप अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप अभी के अभी वोकैबुलरी की सीरीज देखो, आप अभी के अभी उन वर्ड्स के मीनिंग्स को पढ़ो, आप अभी के अभी उसका PDF देखो. आपको पता है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने मेरे को अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे मेल किया कि मैम वोकैबुलरी की सीरीज हमने देख तो ली है, बट होता क्या है मैम, हमें याद नहीं रहते.
इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दैम. सिर्फ और सिर्फ उनके रिक्वेस्ट पे व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज मैं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए PDF बना रही हूँ वोकैबुलरी की सीरीज़ का, जिसमें आपको वर्ड भी मिलेगा, जिसमें आपको मीनिंग्स भी मिलेंगे. तो पूरा का पूरा और बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स. तो अगर आप लोगों की तरफ से मुझे डेडिकेशन लगता है या किसी स्टूडेंट की तरफ से मुझे डिवोशन लगता है, आई वर्क ऑन दैट एंड आई देन शेयर दोज फाइल्स, शेयर दोज PDFs. उन चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, उन चीज़ों पे मैं लेक्चर्स बनाती हूँ. बट दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट्स को मैंने क्या देखा है, बहुत सारे, आई वोंट से एवरीवन, बट सम ऑफ देम दे से कि मैम वी विल डू इट, बट व्हेन टाइम कम्स, जब एक्शन की बात आती है, दे डू नॉट डू इट, वो नहीं करते हैं. मतलब दे आर नॉट एबल टू स्पेयर 8 to 9 hours एवरी डे फॉर दिस प्रिपरेशन, या फिर वो इतना ज़्यादा बोलते ना चीज़ों में से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो अपने मेन एम की तरफ या अपने मेन गोल की तरफ नहीं रह पाते. सो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है, देखो टाइम ज़्यादा नहीं है और ये 6 महीने की बात है, इट्स ओनली फॉर 6 months. इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपको इतनी ज़्यादा या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो नहीं करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा. तो गिव योर 100%, जो चीज़ करनी है उसको तुरंत की तुरंत करो, उस चीज़ को डिले मत करो, उस चीज़ में देरी मत लो. देन हेल्प टीच एंड स्प्रेड योर नॉलेज. बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि अगर हम इस वीडियो को शेयर कर देंगे या अगर हम किसी के क्वेश्चन का आंसर दे देंगे या अगर हम किसी को पढ़ा देंगे तो हम अपना कॉम्पिटिशन इंक्रीज कर रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग आर कॉम्पिटिशन. नो, दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच. यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प पीपल. आपकी भी किसी ने हेल्प की थी, आपको भी बच्चों ने, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी कभी ना कभी, आप लोगों को भी गाइड किया होगा, तो आपको भी वो रोल प्ले करना है अपनी लाइफ्स में. एंड दिस थिंग स्टूडेंट्स आई हैव फेल्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, बट मैंने ये चीज़ बहुत बार फील की है. जब व्हेन यू गिव समथिंग, जब आप किसी को कुछ देते हो, व्हेन यू आर द गिवर, थिंग्स ऑटोमेटिकली कम टू यू. आपके पास अपने आप चीज़ें आती हैं. जब आप किसी दूसरों की हेल्प करोगे ना, तो आपके पास भी 10 लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे. सो ऑलवेज बी अ गिवर इन लाइफ. हमेशा लाइफ में हमें गिवर होना चाहिए, हमेशा लाइफ में हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा लाइफ में हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए अगर हम उस प्लेस पे हैं. जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, जब हम अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी निकालते हैं, तो थिंग्स कम बैक टू अस, चीज़ें हमारे पास वापस आती हैं. बट अगर मैं माइंड में ये बना के रखूँ कि आई विल ओनली बी द टेकर, बस मुझे चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प पीपल, टीच पीपल, स्प्रेड योर नॉलेज. आपके पास कोई अच्छा कॉन्टेंट है, आपके पास कोई अच्छी PDF है, कुछ भी ऐसा है, किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको कुछ आता है, ऑलवेज बी रेडी टू टेल पीपल. हमेशा रेडी रहो कि आप लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करो. कहते हैं व्हेन यू शेयर, वो चीज़ें आपके पास वापस आती हैं, आप ज़्यादा उन चीज़ों में को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. देन वी हैव ऑलवेज फॉलो स्ट्रैटेजीज वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देन यू शुड ऑलवेज फॉलो स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो आप उसे ना ऐसे पूरा स्टार्टिंग से मत पढ़ो, ये नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं सॉल्व करना है हमें, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड मैनर में होता है. हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ 30 क्वेश्चंस करने के लिए, तो हर तरह के क्वेश्चन की एक स्ट्रैटेजी होती है. तो हर तरह का क्वेश्चन हमें उस स्ट्रैटेजी से करना चाहिए. अगर हम स्ट्रैटेजी वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारे हम टाइम बाउंड मैनर में कर पाते हैं. स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको हर टॉपिक की बताऊंगी, यहाँ पे बताती भी आई हूँ कि एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस की क्या स्ट्रैटेजी होती है, पैरा कंप्लीशन की क्या स्ट्रैटेजी होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या स्ट्रैटेजी होती है, हर टॉपिक की स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू. बट उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करने का काम आप लोगों का है. आप लोगों को हर क्वेश्चन को स्ट्रैटेजी से ही सॉल्व करना है. विदाउट स्ट्रैटेजी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी सॉल्व करोगे तो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम. I'm very clear on this कि वो टाइम का वेस्टेज अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो. तो आपको हर क्वेश्चन को टाइम बाउंड मैनर में ही सॉल्व करना है. अगर आप पैरा जंबल का क्वेश्चन कर रहे हो तो मेरा सजेशन क्या रहता है, आपको 3 मिनट के अंदर वो पैरा जंबल कर ही कर लेना है. अगर 3 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं देन यू शुड डू इट अगैन. आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है.
टाइम बाउंड मैनर में करोगे तभी इस कंपटीशन को बीट कर पाओगे, अदरवाइज बीट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए टाइम बाउंड मैनर में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और इसीलिए यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाती हूँ सारे के सारे बहुत टाइम बाउंड मैनर में होते हैं। 30 सेकेंड्स मीन्स 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स मीन्स 45 सेकेंड्स, एंड 3 मिनट्स मीन्स 3 मिनट्स। राइट फॉर्मेट ऑफ टू डू लिस्ट, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं पूरी की पूरी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ, आप लोगों के लिए भी मैंने पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है। बट इफ़ यू वॉन्ट इट यू विल हैव टू मेल मी, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू जस्ट स्प्रेड इट एवरीवेयर। आई एम वेरी क्लियर ऑन वन थिंग, और वो वन थिंग जिस चीज़ में मैं क्लियर हूँ वो क्या है, वो चीज़ ये है कि मैं नहीं चाहती कि मैं मेरा जो स्टडी प्लान है वो ऐसे स्टूडेंट्स के पास भी जाए जो लोग हार्डवर्क करने के लिए रेडी ही नहीं। तो इफ़ यू आर वेरी 100% श्योर, इफ़ यू आर 100% श्योर कि यस मैम हम इस टू डू लिस्ट को या हम इस पूरे के पूरे स्टडी प्लान को बिल्कुल 100% फॉलो करेंगे, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ डिवोशन के साथ फॉलो करेंगे, देन ओनली आई विल शेयर इट। इसीलिए मैंने इसे कहीं भी नहीं डाला है, अभी तक अपने किसी टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाला है, अभी तक अपने किसी टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं डाला है, केवल और केवल एक रीज़न की वजह से। और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न यही है कि मैं क्या चाहती हूँ, ये केवल और केवल डिजर्विंग स्टूडेंट्स के पास है। तो इफ़ यू रियली थिंक कि येस यू कैन डू इट, आप इस चीज़ को कर सकते हो, देन यू विल हैव टू मेल मी, आपको मुझे मेल करना होगा, एंड देन आई विल शेयर विद यू इट विद यू कम्प्लीटली। आप मुझे मेल करेंगे, मैं आप लोगों के साथ ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान शेयर कर दूंगी। बट उस शेयरिंग का मतलब क्या है, उस शेयरिंग का मतलब ये है कि आप लोगों को ये फॉलो भी करना पड़ेगा, और बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों को ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड वॉट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। होल वर्ल्ड स्पीक्स ऑफ इट, पूरी दुनिया इसके बारे में बोलती है, हर किसी को इसके बारे में पता है। और अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लगाना शुरू कर देंगे, यू विल डेफिनेटली रीप इट्स रिजल्ट्स, आपको इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलने लग जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ बैंक मैनेजर, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब, आपको एक जॉब चाहिए, आपको बैंकिंग में प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब चाहिए, तो आपको उस चीज़ को क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी। पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, आपको अपने माइंड से वो सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स निकाल देने हैं कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, मेरा नहीं हो सकता, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे से पढ़ाई होती ही नहीं है, मैं बुद्धू हूँ, मैं कभी स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यस, ये सारे के सारे थॉट्स, ये सारे की सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से हटानी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि आपको एक बैंकिंग जॉब अच्छी मिले। आपके माइंड में होना चाहिए कि यस, अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश इज़ वेरी इजी, अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मैथ्स इज़ वेरी इजी, अगर मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ तो रीजनिंग इज़ वेरी 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 इजी। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। हो सकता है अंदर से दिल कह रहा हो कि क्या बकवास सोच रहा है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लाखों बच्चे दे रहे हैं, सिलेक्शन केवल हज़ारों का हो रहा है। नहीं, बट आपके माइंड को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। अब माइंड को क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये इजी है, नाउ यू हैव टू इमेजिन, दिन में 5 मिनट इमेजिन कर लो, दिन में 10 मिनट इमेजिन कर लो कि यस आपका एग्ज़ाम आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को मिठाई खिला रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। कुछ लोग तो इसी बात पर स्माइल भी कर रहे होंगे इमेजिन कर करके, वाओ मैम क्या बोल रही है, मैम आपके मुंह में घी शक्कर, मैम वाओ। नहीं, सभी को रोज़ इमेजिन करना है कि यस यू आर डूइंग इट, आप कर रहे हो, आप बैंक में बैठ के कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हो, आपका जॉब मिल चुका है, आपको निमिषा मैम ने अपने वहाँ ऑफिस में बुलाया है और वो आपका इंटरव्यू ले रही है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी जो आपने फॉलो की कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई। सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू इमेजिन, आप इमेजिन करो, आप उस चीज़ को सच फील करो, आप अपने माइंड में इतनी सी भी नेगेटिविटी मत आने दो कि ये डिफ़िकल्ट है, नहीं बहुत ईजी है। आई थिंक जितने भी यहाँ पे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि मैं हर क्लास के लास्ट में आप लोगों को बोलती हूँ कि आप 2 सेंटेंसेस बोलो। याद है कि कौन कौन से 2 सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कि हर क्लास के लास्ट में आपको ये 2 सेंटेंसेस बोलने हैं,
कौन कौन से वो होते हैं. इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश. क्यों बोलती हूँ, व्हाई डू आई से कि आप लोग बोलो बोलो बोलो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. केवल और केवल इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि मुझे पता है जितने स्टूडेंट्स इस बात को बिलीव करते हुए बोलते हैं कि इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, वो उनके लिए इंग्लिश ईजी होती जा रही है और वो इंग्लिश में अच्छे होते जा रहे हैं. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी खुद की लाइफ में बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आया है. और एज अ फैकल्टी, एज एन एजुकेटर, एज योर गुरु, आई कैन, आई थिंक आई शुड पास ऑन दिस नॉलेज. मतलब मैंने भी ये नॉलेज मुझे मेरे टीचर्स ने दी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली रियली वर्क्स अ लॉट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है आप लोगों की लाइफ में. तो अभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना स्टार्ट कर दो कि येस, आई विल डेफिनेटली क्लियर बैंकिंग एग्जामिनेशन. आई हैव क्लियर्ड द बैंकिंग एग्जामिनेशन. आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजर. आई, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज. आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश. आई हैव गॉट दिस मैनी मार्क्स. आई एम वेरी पॉजिटिव. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. सारे के सारे हमेशा अपने आप को जब भी कुछ बोलना है हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो. बी वेरी पॉजिटिव. अपने आप को कभी भी नेगेटिविटी मत आने दो. एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चे क्या सोच लेते हैं, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, पेपर बहुत ख़राब होगा. तो इवेंचुअली जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनके माइंड को पता होता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, और जो आता हुआ है ना वो भी भूल जाता है. तो जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओ बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देने जाओ. जब भी कुछ चीज़ कोई क्वेश्चन सॉल्व करो इस एटीट्यूड के साथ करो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, अरे ये तो बहुत ईजी होता है, ये तो मैं कर ही लूँगा. अरे पैराजंबल का क्वेश्चन है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये तो मैम ने या मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, ये तो मैं कर ही लूँगा. तो जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हो उसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ करो, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही निकलने लग जाएंगी, आंसर्स ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगे, एंड यू विल ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल. कुछ स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा पता नहीं मैम आज किस मोड में चली गई हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाली मैम हमें क्या क्या पढ़ा रही हैं. बट मैं आज इस क्लास में ये सारी चीज़ आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई नो इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारी बातों को फॉलो करेंगे देयर लाइव्स आर श्योरली गोइंग टू चेंज. उनकी लाइफ्स डेफिनेटली डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी. एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एक टीचर की तरह मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को पढ़ाने के अलावा मैं साथ के साथ मोटिवेट भी करती चलूँ और साथ के साथ मैं आप लोगों को एनलाइटन भी करती चलूँ. So, I hope आज की क्लास के बाद स्टूडेंट्स अपना वे ऑफ लिविंग बहुत चेंज करने वाले हैं. टू डू लिस्ट हर कोई बनाएगा ही बनाएगा, स्टडी प्लान हर कोई बनाएगा ही बनाएगा, टू डू लिस्ट को प्लान हर कोई करेगा, इम्प्लीमेंट हर कोई करेगा, रिव्यू हर कोई करेगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप सभी लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ करेंगे, स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे. आई वॉन्ट कि आप सभी लोग सारे के सारे पॉइंट्स को एक पेपर पर लिख लो, एक ही जगह बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, एंड देन शेयर दो उसका पिक्चर लेके या उस पेज को ही अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे स्टिक कर लो, जिससे कि आपको बार बार ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देखते रहो, बार बार आपके दिमाग को रिवाइज होते रहें कि मुझे ये करना है ये करना है. और अगर इस चीज़ को 50 डेज या 55 डेज तक अगर आप लोगों ने इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो कर लिया, इफ़ यू फॉलो इट रेगुलरली बिना किसी ब्रेकेज के, बिना किसी चीज़ के, अगर आपने इस पूरी की पूरी चीज़ को बहुत अच्छे से रोज़ के रोज़ फॉलो कर लिया, देन आई कैन टेल यू स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्ज़ाम तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत 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 ज़्यादा ईजी होता है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है स्टडी प्लान के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, इंग्लिश विद निमिशा बंसल है, फेसबुक पर भी हूँ मैं इंग्लिश विद निमिशा बंसल करके, अनअकैडमी पर भी हूँ, अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट का जो टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है उस पर भी मैं हूँ, आप वहाँ पर मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो. बट मैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि स्टडी प्लान केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट्स पर जाए जो उस स्टडी प्लान को पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें. अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, अपने ऊपर डाउट है, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट कि स्टडी प्लान बने भी और फिर वो फॉलो ना, बिकॉज दैट लीड्स टू डीमोटिवेशन. टू बी वेरी फ्रैंक, अगर स्टडी प्लान बन गया और फिर वो फॉलो नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है. उस डिमोटिवेशन को रोकने के लिए ही यू शुड फॉलो दैट स्टडी प्लान.
अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और, क्योंकि हम सेशन को ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स, IBPS PO का जो बैच है, IBPS PO प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट इंग्लिश का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक उसकी क्लास हो रही है, रोज़ के रोज़ उसकी क्लास हो रही है। तो अगर अभी तक भी कोई ऐसा स्टूडेंट बचा है जिसने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लो, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत चीप है, आई वुड से, मतलब इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है। एक सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA, जितने बेस्ट एडुकेटर्स हैं सबके कोर्सेज मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही बार पेमेंट में। टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, डाउट सेशंस मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, सब कुछ आप लोगों को केवल और केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इकोनॉमिकल है, अगर 12 मंथ्स का लोगे तो 417 रुपीज़ पर मंथ का मिलेगा। आप ले कोई भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, अपने प्लान के हिसाब से कि आपको कितने टाइम तक इस चीज़ को देना है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन को लोगे आपको ये NBLIFE कोड लगाना है, यू हैव टू अप्लाई दिस कोड NBLIFE। इस कोड को लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड। सो स्टूडेंट्स, आई होप सभी को आज के सेशन से बहुत कुछ मिला है सीखने को, बट मैं अपनी कोशिश में तभी कामयाब हो पाऊँगी जब आप लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मैं चाहती हूँ कि इस सेशन के जस्ट बाद आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि यस मैम, वी विल डेफिनेटली फॉलो इट, हम आज से बिल्कुल अपना 100% इस चीज़ को देने वाले हैं, बिल्कुल अपने आप को कहते हैं ना एकदम झोंक देंगे प्रिपरेशन में, बिल्कुल रात दिन एक कर देंगे, बिल्कुल मैम, बट इस बार आप लोगों आपको 100% रिजल्ट लाके ही लाके दिखाएंगे। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं इस समय, अगर वो एक मुझे एक श्योरिटी दे सकें कि यस मैम, हमारी तरफ से कोई भी एफर्ट्स में कमी नहीं होगी, हम बिल्कुल अपना 100% देंगे, हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल टाइम देंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, हम वोकैबुलरी रोज़ याद करेंगे, बट इस बार हम आपको अपने बैच से या हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर रेगुलरली आते हैं, हम आपको पूरा का पूरा 100% रिज़ल्ट देके ही देके रहेंगे। ऐसा कमिटमेंट मुझे आप सभी लोगों से चाहिए, अभी के अभी चाहिए, सभी लोग मुझे ये कमिटमेंट दीजिए। चलिए, सो आई होप सभी लोग मुझे कमिटमेंट ये दे देंगे। कमेंट आप कर सकते हैं, स्टडी प्लान आपको चाहिए आप मेरे को मेल कर सकते हैं, बट आई एम गिविंग माई 200%, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू गिव योर 200% ऑल्सो। चलिए, अब सारे के सारे बच्चे मिलके 3 सेंटेंसेस आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ बोलेंगे, इस चीज़ को फील करते हुए बोलेंगे कि यस ये सच है, अपने माइंड को ये बताते हुए बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ एकदम और एकदम सही है। सारे के सारे बच्चे 3 सेंटेंसेस को बोलेंगे, 1, 2, 3 एंड गो। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, आई विल डेफिनेटली गेट अ बैंकिंग जॉब बाय नेक्स्ट ईयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। टू डू लिस्ट बना लेना, बिल्कुल अभी के अभी बना लेना, डू नॉट डिले इट एट ऑल, उसे बिल्कुल भी देर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दी बेस्ट, टाइम है हमारे पास, अभी भी पढ़ाई करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।